अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 हीट। क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। कल हमने जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल के ए पार्ट किए थे, आज हम बी पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। बी पार्ट है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, कंडक्टिविटी एंड सॉलिबिलिटी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कैसे हम मटेरियल्स को जो है हार्डनेस के बेस पे, कंडक्टिविटी के बेस पे और सॉलिबिलिटी के बेस पे जो है उनको, उन मटेरियल्स को जो है अलग कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, एक्सप्लेन करना है हमें विद एग्जाम्पल्स। तो हम बुक पे ही मार्क करेंगे। आप निकालो पेज नंबर 38 पे है आपका हार्डनेस, तो यहाँ से आपको मार्क करना है हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी विच हेल्प्स अस टू ग्रुप डिफरेंट मटेरियल्स। इसके बाद यहाँ से मार्क करने हैं, यहाँ से लिखना है ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉटन, वूल एंड स्पॉन्ज आर वेरी इजी टू प्रेस, दे चेंज देयर शेप व्हेन प्रेस्ड। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स, हाउएवर यू विल फाइंड इट हार्ड टू प्रेस मटेरियल्स सच एज क्रिकेट बॉल, वुड, स्टोन एंड आयरन, दिस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। हम जो है हार्डनेस को जो है उनके सॉफ्ट मटेरियल्स और हार्ड मटेरियल्स की बेस पे जो है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं मटेरियल्स को, अलग अलग ग्रुप्स में जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो है कंडक्टिविटी का हम देखेंगे, तो कंडक्टिविटी का आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 40 पे है। सम मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स लाइक प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। प्लास्टिक इज यूज्ड टू कवर इलेक्ट्रिक वेयर्स बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो है कंडक्टिविटी लिखना है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बेस पे जो है हम कंडक्टिविटी के जरिए जो है हम अलग अलग मटेरियल्स को जो है अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। इसी तरह सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी भी पेज नंबर 40 पे है। आपको यहाँ से मार्क करना है, यू विल फाइंड दैट सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, सच मटेरियल्स दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉलिबल मटेरियल्स। ऑन द अदर हैंड सैंड, पेंसिल शेविंग्स एंड चॉक्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर इवन आफ्टर विग्योरस स्टिरिंग, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इनसॉलिबल मटेरियल्स। तो ये रहा आपका बी पार्ट, हार्डनेस, कंडक्टिविटी और सॉलिबिलिटी के बेस पे कैसे मटेरियल्स को जो है ग्रुप में डाल सकते हैं। इसके बाद है सी पार्ट, डिफरेंशिएट अमंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब हमें यहाँ पे जो है डिफरेंस देखने हैं किसके बीच में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मटेरियल्स के बीच में। इनका हमें दो दो एग्जांपल्स देने हैं, तो हम सी पार्ट का भी बुक पे ही मार्क करेंगे। आप निकालो पेज नंबर 39 पे है फोर्थ के सी पार्ट का आंसर। यहाँ से आपको लिखना है, देयर आर सर्टन मटेरियल्स विच अलो यू टू सी वट इज देयर ऑन द अदर साइड, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी थिंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास विंडो, दस क्लियर ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसके बाद है ओपेक मटेरियल का, द मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम। इसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल्स का जो है एग्जाम्पल आप लिखना वुडन डोर और बुक लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो है हमें उनकी पिछली साइड का जो है वहाँ से कुछ नहीं दिखता, यानी वुडन डोर से हमें कुछ नहीं दिखता दूसरी साइड। इसी तरह हम बुक को अगर हम लेंगे तो बुक के दूसरे साइड भी हमें कुछ नहीं दिखता है। तो ओपेक मटेरियल्स का एग्जाम्पल आप जो है वुडन डोर और बुक लिख लेना, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, यू विल नोटिस दैट यू आर एबल टू सी द ब्लब बट नॉट सो क्लियरली, सच मटेरियल्स दैट अलो यू टू सी थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने ब्लब का ले लिया है। ऊपर की एक्टिविटी अगर आप लिखना चाहो तो ऊपर की एक्टिविटी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह ओपेक मटेरियल्स का अगर आप लिखना चाहो तो आप ये वाला एक्टिविटी
आप अपने कॉपी पे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका फोर्थ के सी पार्ट का, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के बीच के डिफरेंस हम देखा हमने, और यही आपको लिखना है। यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स जिनसे हम जो है उस मटेरियल्स के दूसरे साइड को देख सकते हैं, ओपेक मटेरियल्स के हम दूसरे साइड को नहीं देख सकते, इसलिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के हम दूसरी साइड को जो है पार्शली देखते हैं, यानी धुंधला धुंधला सा हमें दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है, आधा दिखाई नहीं देता है। तो ये रहा आपका सी पार्ट का आंसर। कल हम जो है डी पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।